हेलो दोस्तों, आप सब कैसे? वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। दोस्तों मैंने सोचा था 21 का एक तारीख नहीं तो 2 तारीख को जैसे भी एक वीडियो अपलोड करना है बोल के। दोस्तों मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया? दोस्तों ये स्टोरी जानने के लिए थोड़ा सा आप लोग ये वीडियो पहले देख लीजिए। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों अभी हम जाएंगे अपना दोस्त का घर। दोस्तों आप सबको हम मिलेंगे रास्ता। दोस्तों मेरी छोटी सी कहानी जो यहाँ से शुरू होते है। दोस्तों मैंने भी एक सपना देखा था, क्या से क्या हो गया। दोस्तों आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज पास टाइम में स्कूटी चला के ब्लॉगिंग कर रहे हैं। दोस्तों थोड़ा नर्वस हो रहा है। दोस्तों आप सबको बता दें कि आज हम फिर से घूमेंगे करेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे फिर से। दोस्तों आज हम फिर से 3 जगह में जाएंगे। एक तो अभी ईटा पहुँच जाएंगे, उसके बाद ये गंगा लेक अगर आज खुलता है बोलने से हमें खुशी का बात है। देखते हैं खुलता है कि नहीं खुलता है, लेट्स सी। दोस्तों अभी हम अपना दोस्त के घर आ गया है। दोस्तों वो खाना उना खा लिया, हम दोनों अभी यहाँ से निकलेंगे। सबसे पहले जाएंगे ईटापोर्ट। ईटापोर्ट जाने के बाद हम लोग गंगा लेक जाएंगे। गंगा लेक जाने के बाद लास्ट में जू जाएंगे। दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ा होने वाला है। दोस्तों आज हम थोड़ा इंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। दोस्तों लेकिन अभी आज खुलेगा नहीं खुलेगा, लेकिन खुलना चाहिए। नहीं खुलने से तो हम लोग का प्लानिंग पूरा खत्म हो जाएगा। दोस्तों मेरे ख्याल से खुलना चाहिए न्यू ईयर डे। दोस्तों ब्लॉग के बने रहेगा, लेट्स गो। और गाइस दोस्तों आप सब ने देख लिया ये वीडियो। दोस्तों आज आप सबको बताऊंगा ये वीडियो को मैंने यूट्यूब पर क्यों अपलोड नहीं किया है, किस लिए रियल स्टोरी किया था। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मैं सोचिए सीरियस करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अपना भाई समझ। दोस्तों स्टोरी ये है कि एक्चुअली आई वॉज सो हैप्पी। दोस्तों मैं बहुत खुशी हो रहे थे ये वीडियो बनाते समय को। घर से भी मैं बहुत खुशी से निकल रहे थे, रास्ता में भी इतना मस्ती हो कि हम जा रहे थे। एंड मैंने अपना दोस्त का घर गया, दोस्त का घर जाके दोस्त को बुलाने के लिए दोस्त को खाना ना खाने दिया। उसके बाद हम दोनों फिर से वहाँ से निकल गया। दोस्तों मेरा प्लानिंग वही था कि 3 जगह जाना था हमको 2 तारीख में। एक जगह क्या काम था, ईटापोर्ट। ईटापोर्ट जाने के बाद गंगा लेक, गंगा लेक जाने के बाद लास्ट में जू, जू देखना था। पूरा प्लानिंग बना के मैंने रखा था। हम दोनों दोस्त और हम दोनों रास्ता में पूरा मस्ती करके जा रहे हैं। जो हुआ में ईटापोर्ट में जा रहे थे, वो गाना वाना गा के पूरा इंजॉय करे बोल के एकदम मस्ती जा रहे। और हम दोनों ईटापोर्ट पहुँच गए, उसमें देख गए तो पूरा तला लॉक था। अरे क्यों नहीं खुले हम दोनों से। उसके बाद हम दोनों में थोड़ा बेता है और टाइमिंग को देखे तो उसमें क्या लिखा है, 9 AM to 4 PM तक है बोले। उस हम दोनों वहाँ में पहुँचा था 10:45, अभी तो टाइम हो ही गया। एंड दोस्तों हम दोनों ने एक बहन को देख लिया था। बहन से पूछा था कि बहन आजकल ये खुलता है कि नहीं खुलता है। बहन ने बताया था कि हम दोनों को ये नहीं खुलता है, माँ से ही पौने। ओ माई गॉड, उस समय हम दोनों डायरेक्ट। एक्चुअली स्टोरी ये था, पूरा हम दोनों प्लानिंग बनाया था, खुला ही नहीं था। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो नहीं आया है, कारण ये था कि दोस्तों मैं फ्यूचर में लाइफ स्टाइल ब्लॉग डालना चाहता हूँ। अगर आप लोग एग्री करते हैं तो प्लीज़ आप लोग यस लिखिए कमेंट बॉक्स पर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मेरा स्टोरी इतना ही था। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में।